Good morning. जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे रजाई से प्यार हो जाता है, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। बट आज मुझे ना कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, इसलिए अभी मैं उठ जाऊँगी, फटाफट से पहले तैयार होती हूँ और ज़रूरी काम है तो आज तो अच्छा दिखना ज़रूरी है। जो मैं उठती हूँ, मुझे 5 मिनट 2 सेकेंड। गुड मॉर्निंग वंस अगैन, क्योंकि उस टाइम मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या क्या बोला। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, नहीं आज हो रही हूँ, बिकॉज टुडे इज समथिंग स्पेशल जैसा मैंने आपको बताया है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेश होने के लिए पहले थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, उससे मुझे ध्यान आया कि मैं अपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग पूछ रहे थे। तो ये मैंने कुछ टाइम से ना वाओ के प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया है, और ये इसका फेस वॉश है उपटन रेंज के प्रोडक्ट के लिए। मतलब मैंने सारे फेस तो अब मैं यूज कर रही हूँ वाओ का उपटन फेस वॉश। देखो इसमें कितना अच्छा सा ब्रश है, बहुत स्मूथ और सॉफ्ट है। देखो कम क्लोजर, ये देखो है ना बहुत अच्छा। ये जो फेस वॉश है ना, ये ट्रेडिशनल उपटन रेसिपी से बना है। इसमें चिकपी फ्लावर है, आमंड पाउडर है, सेफ्रन, टर्मरिक, रोज वाटर और सैंडलवुड ऑयल भी है। और जो इसमें चिकपी फ्लावर है, हम सबको पता है कि वो जिंक में रिच होता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्किन पे डेड स्किन होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से फेस वॉश हो जाता है। अच्छा सा और फ्रेश सा लग रहा है, अब मेरी सुबह हुई है। चलो अब मैं स्टेप टू बताती हूँ। अब इसके बाद आएगी बारी हमारे पैक के, नहीं पहले स्क्रब लगाती हूँ, थोड़ा एक्सफोलिएट करते हैं अच्छे से, आज स्किन को ट्रीट देती हूँ मैं। वाओ के जो ये प्रोडक्ट्स है ना, ये सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि दीज आर फ्री ऑफ सल्फेट्स, पैराबिन, सिलिकॉन्स एंड कलर। चलो अब फेस पैक लगाते हैं। ये फेस पैक है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई रिच है, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी ब्राइटन अप हो जाती है। और आपको पता ही है, इसमें जैसे मैंने बताया था, इसमें हल्दी है और सैफ्रन है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और ग्लो करती है। तो अब मैंने फेस पैक लगा दिया है, और आपको पता ही है जब फेस पैक लगाते हैं तो बोलते नहीं, क्योंकि झुर्री आ जाती है, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ और बाहर जाके लोगों को डरा के आती हूँ। चलो अब फाइनल स्टेप आ गया है, मैं सीरम लगाती हूँ। आपको पता है जैसे मैं ये सीरम लगाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टाइट टाइट सी हो गई है। एंड ऑल्सो दिस सीरम हेल्प्स टू मिनिमाइज फाइन लाइंस, रिड्यूस टैन एंड टू इवन आउट द कॉम्प्लेक्शन। तो देखो कितनी अच्छी होगी मेरी स्किन अब। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। वाओ की एक ऐप है, ये एंड्रॉयड पे भी है और iOS पे भी है, दोनों प्लेटफॉर्म्स में है। तो आपको क्या करना है, उस ऐप पे जाइए और जो भी आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्किन केयर का कर रही हूँ, तो मैंने स्किन सेलेक्ट किया, और फिर इसमें आपको सारे आर्टिकल्स दिखने लगेंगे, ऊपर नीचे आप सारा स्क्रॉल कर लो। और फिर उसके बाद जो आपको पसंद है, जैसे मैंने उपटन का ट्राई किया है, ये देखो उपटन का फेस वॉश है ना यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दो और बस फिर यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर, सो सिंपल। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस इयररिंग्स पहनने मुझे, और मैं फटाफट बाहर के जाती हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ आज। ठीक है, फिर आपको वहीं पे मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलाने वाली हूँ जिसके लिए मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, और ऑफ कोर्स उनसे मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल मुश्किल ट्रैक किए हैं मेरे साथ। तो मैं बात कर रही हूँ अपने कैमरामैन की, और वो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, आज उनकी बारी है कि वो कैमरा से आगे आए। तो प्लीज़ आइए कैमरा से आगे। Thank you.
ये है मेरे कैमरामैन। तो कैमरामैन जी आप अपना नाम बताइए वरना आप कैमरामैन के नाम से ही फेमस हो जाओगे। तो कैमरामैन का असली नाम है, असली नाम है ना, असली नहीं नाम ही यही आपका कैमरामैन नहीं है। तो ये रजत शर्मा जी है ना, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस लिखे थे कि क्या पूछना है उस बेसिस पे कि ऑडियंस को क्या पूछना है तुमसे, वो मैंने जॉट डाउन कर लिए थे कि उस अकॉर्डिंग पूछूंगी। सबसे पहले तो कितने एक्साइटेड हो आप कैमरा के आगे आने के लिए? बहुत, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग सो मच कि कमेंट्स में हमेशा यही बोलते हैं कि हाँ आपका कैमरामैन बहुत प्रोफेशनल है। Exactly. कुछ लोगों ने तो इतना तक बोला है कि इनको तो मुंबई भेज दो कैमरा, यू नो ही इज वेरी गुड एट कैमरा, यू नो हैंडलिंग कैमरा। सो बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग बोथ ऑफ अस एंड मी पर्सनली। सो बेस्ड अपॉन द कमेंट्स और डीएम जो मुझे आए हैं वैसे वैसे मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि जो कैमरामैन है क्या ये आपके भाई है या फ्रेंड है, क्या है? सो लेट्स क्लियर दिस। सो एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से, एक्चुअली कॉलेज से 2013 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और तब से हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऐसे फ्रेंड्स बनते बनते हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, पता भी नहीं लगा। व्हेन एंड वेयर वी मेट फर्स्ट? कॉलेज में। कॉलेज में मिले थे, कॉलेज में मिले थे। और टू बी वेरी प्रिसाइज, हाउ वी मेट फर्स्ट वाज फर्स्ट नहीं बट हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं, हम लोग स्पोर्ट्स के थ्रू मिले। मेरा एक फ्रेंड होता था कमल और उसने मुझे मतलब इनसे बात करवाई थी ऐसे ऐसे करके, मतलब बेसिकली हम स्पोर्ट्स के पीछे। ऐसा थोड़ा अलग लग रहा है बात, हम लोग ऐसे ही, यू नो ऐसे ही मतलब खेल रहे थे इंडोर, मतलब ये टेबल टेनिस खेलते होते थे, मैं बैडमिंटन खेलती होती थी। तो बस ऐसे ही एक दिन बात कर ली, उस टाइम की बात है, कुछ ऐसा था कि किसी ने फेसबुक से कुछ कुछ फेक आईडी थी मेरी, उससे एब्यूसिव मैसेजेस भेज दिए थे। क्या था कि हमारा कुछ स्पोर्ट्स का ट्रिप था, तो मैंने मुझे पता था कि बैडमिंटन खेलती है, तो मैंने इसे मैसेज किया था फेसबुक पे। उस टाइम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप होता था, इंस्टाग्राम नहीं हम यूज़ करते थे इतना ज़्यादा आई गेस। तो मैंने फेसबुक पे इसे मैसेज किया और सामने से कुछ अब्यूजिव मैसेज आया, तो मुझे इतना तो पता था कि ऐसे तो नहीं कर सकते और ऐसा कुछ अब्यूज़ तो नहीं करेगी ऑफकोर्स। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी थी। तो जो कमल है इसका फ्रेंड, इसका क्लासमेट और इसका बहुत अच्छा फ्रेंड, उससे मैंने, वो भी हमारे साथ टेबल टेनिस खेलता था, तो मैंने उसे मेरे साथ बैडमिंटन भी खेलता था वो। वो ट्रू फ्रेंड और अभी भी वो जहाँ अभी रहते हैं वहाँ पे भी हमें मिलता है। हम कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। उससे भी मिलवाऊंगी किसी दिन। तो क्या हुआ कि मैंने उसे ऐसे ही बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ और मुझे ज्योतिका से बात करनी है इस बारे में, तो उसने मुझे इससे बात करवाई और हमने वो चीज़ क्लियर करी थी। और इवेंचुअली पता लगा कि वो इसकी कोई फेक आईडी थी और मतलब ऐसे करके बात शुरू हो गई थी। हाँ, बट फेक आईडी के लिए मैं ये बोलूंगा कि फेक आईडी मत बनाया करो मतलब तुम लोग आई एम श्योर, बट जो भी बनाता है ना, अगर तुम्हारे जानने वाला भी बनाता है उसको एकदम से रिपोर्ट कर दो। हाँ, रिपोर्ट भी कर दो, प्लस ये डिफेम, बहुत डिफेम। एग्जैक्टली, ये तो कोइंसिडेंस था। एग्जैक्टली, अगर मैं नहीं होता कोई और होता और सब चीज समझ लेता। हाँ, फिर हमने उसके बाद उसको रिपोर्ट किया और बट हमें वो पता नहीं लगा कौन था, बट एनीवेज जो भी था, चलो लीव दैट मैटर। डिड वी, मतलब ये जो ज्योतिका द लेक व्लॉग्स हमने शुरू किए, इसके बारे में कभी हमने प्लान किया था और इट वाज प्लान्ड या फिर ऐसे ही शुरू हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी। Exactly. प्लान्ड तो बिल्कुल भी नहीं था एक्चुअली। मैं आपको सच बात बताऊँ, ये मेरा नॉट माय आइडिया, बट ब्लॉगिंग ना मुझे बहुत इंटरेस्ट था बहुत टाइम से करने का। और शुरू कर दी मैंने, इसे बोलता भी था कि यार मुझे ब्लॉगिंग करनी है, बट ये बहुत चलाक निकली है, इसे पहले शुरू ये मैंने इसे एनकरेज किया क्योंकि लॉकडाउन में फ्री बैठे थे। हाँ, वो बहुत सुंदर जगह है और शिमला इतना सुंदर जगह है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, तो रजत को पिक्चर तक ढंग से लेने नहीं आती थी। मैं हैरान हूँ कि रजत ने कैसे ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो कभी नहीं पसंद आती थी। नो नो नो, दिस इज ट्रू, तुमको पिक्चर तक लेने नहीं आती थी। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी आ गई नहीं, क्योंकि
ये हमेशा से सोचती है कि मुझे बोलती है कि तुम अच्छी पिक्चर्स नहीं लेते, बट मुझे हमेशा से अच्छा लगता था कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत अच्छी पिक्चर्स लेता हूँ, और मुझे अभी भी लगता है, और आप लोग प्लीज बताओ कि मैं अच्छी वीडियोस के लिए कह रही हूं। अच्छा वीडियो, ये सही है। अच्छा मैं पिक्चर्स की बात कर रही हूं, वीडियोस की नहीं। मोरल इसमें दोनों ही सेम चीज है, अगर कोई पिक्चर अच्छी ले रहा तो यार वीडियो भी अच्छी ले रहा है। ऐसा नहीं होता, मैं पिक्चर अच्छी लेती हूं, मुझे वीडियो अच्छी नहीं आती। नहीं, अच्छा है, दोनों अच्छी करती हूं। तुम ये भी लो साथ साथ, यू नो आज मैं होस्ट हूँ तो खातिरदारी करना, ध्यान रखना, वो मेरा ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि तुम कैमरामैन बनोगे, यू नो मतलब तुम वीडियोस बनाओगे? ओके, तो जो फर्स्ट वीडियो थी आपने जो देखी होगी, प्लम वैली, तो वो मैं तो नहीं कर सकता था, राइट? और ये बिल्कुल प्लान नहीं था, प्लान नहीं था, बट कैमरामैन प्लान करना तो दूर की बात है, हमने तो व्लॉग ही प्लान नहीं किया था, सब कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियसली होता रहा कि ये जुड़ता गया। मैं और ये इवेंट, मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि हम, मैं भी शूट करने के लिए साथ था कि शूट कर सकूं, वरना ये अकेले से। एग्जैक्टली, और जब हमने मतलब वो व्लॉग अपलोड भी करना था यूट्यूब पे, मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मुझे लगा यार ये क्या किया हुआ, कुछ भी मतलब ऐसे ही डाल देंगे, तो हमने ऐसे ही मतलब धक्के से हमने क्या, वो भी रजत नहीं डाल दिया ऐसे, तो हमने तो मतलब वीडियो अपना व्लॉग तक डिसाइड नहीं किया था, और कैमरामैन तो खैर दूर की बात थी, कहाँ से डिसाइड करना था, मतलब स्पॉन्टेनियसली खुद ही सब कुछ होता गया, राइट? तो ये ना, ये शायद शौक में रह जाता अगर लॉकडाउन ना होता। डालना तो चलो एक चीज थी, फिर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे उसको शेयर करना, स्टेटस पे डालना, पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हूँ और शाय भी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था क्या कर दिया, क्यों डाल दिया, लोग मुझ पर हंसेंगे, बट मैं बताऊँ ये फियर्स हमारे माइंड में होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। आई स्वेयर, मुझे जितना सपोर्ट, जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस आप लोगों से मिला है ना, आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इतने कॉन्फिडेंटली बात भी कर रही हूँ और सब कुछ, और अपने कैमरामैन को भी आगे लेके आई हूँ। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि विच कैमरा डू यू यूज, सो प्लीज टेल। कैमरा फोन का कैमरा है, और ये फोन भी इसी का है। फोन कौन सा है? प्लस, आईफोन 7 प्लस, और स्टेबल रखना होता है, बट लेकिन आप कोई भी बेसिक फोन यूज कर सकते हो जिसमें ठीक आ जाती है वीडियो, 1080p पे वीडियो बन जाती है, बेसिक वीडियो का वो अपलोड करने के लिए भी आसान इजी होती है, क्योंकि उससे बड़ी फाइल्स आ जाती है, अगर 4K डीसेंट कैमरा हो फोन का तो आप बना सकते हो। तो ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया हम कौन सा कैमरा यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू प्रोफेशनल कैमरामैन? नो, ऑफ कोर्स नॉट, हमने आपको सब कुछ बता ही दिया। मैं कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं, मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बस। हाँ, और अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या डू यू थिंक ऑफ ओपनिंग अ न्यू चैनल? देखो सब सच बताना, स्टार्टिंग में तुमने कहा था कि तुम खोलना चाहते थे, खुल मेरा गया तो मन हमेशा से ही है, बट let's see agar if all the best yeah. to you if of ever course. I get an opportunity to इस लेवल क्या होता है, जैसे मुझे कहा था कि नहीं नहीं ना शुरू हो जाओ कर लो, तुमको भी वैसे ही करना पड़ेगा, धक्के से इसका बहुत अच्छा चल पड़ा है चैनल, कुछ प्रेशर नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं कि हाँ मेरा नहीं चलेगा या मेरे सब्सक्राइबर्स इससे कम ना रह जाए, बिल्कुल भी नहीं, आई एम सो हैप्पी फॉर हर, मुझे तो मतलब मैं इसी में खुश हूँ इसका हो गया, क्योंकि दोस्तों में होता है ना कि एक का हो गया दूसरे को ऐसी खुशी मिल जाती है यार इसका हो गया तो मैं भी, जैसे 3 इडियट्स में होता था फेल हो जाए तो दुख होता है, बट अगर वो टॉप कर जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है, बट नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टॉप कर रही है। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो करूंगा भी, एनीवेज, बट आई एम श्योर अगर तुम शुरू करोगे अच्छा चलेगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि आई एम अ बिग टाइम फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं ये खाती हूँ वो खाती हूँ सो खाती हूँ, बट मुझसे बहुत 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 बड़ा फूडी है हमारा कैमरामैन, और इनको जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ खाने की रिश्वत में ही लेके आई हूँ कि हाँ हम और अभी एक्चुअली हमारे सामने नूडल्स पड़े बहुत कुछ खाएंगे। हाँ तो अब ये ठंडी हो रही है, बहुत देर से इसी को देख रहा हूँ, देखो मुँह में कैसे पानी आ रहा है, तुम तो थूक भी रही हो यार। तो बस अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद
जान ही चुके हैं और अब मैं जो इनसे प्रॉमिस किया था कि खाना खिलाऊंगी कोई नहीं होता ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है यू मैंने कहा ही था कंसेंसस से आए हैं और ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है कि मुझे खाना खिलाएगी तो ही मैं आऊंगा थोड़ा बहुत खा लेगी मैं खाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ तो आप लोग भी अगर मुझे कभी मिलना चाहते हैं तो मुझे कुछ खिला दो कुछ खाने की जगह आपको पता और कुछ अच्छा खाने का है जो मैं जाएगा तो मैं आ जाऊंगा और अगर आपकी रिकमेंडेशन है कोई शिमला में या हिमाचल में या आसपास कहीं भी कोई अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ हम ना गए हो और कुछ बहुत कुछ अलग जगह तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ हम जरूर कवर करेंगे और मैं जरूर खाने आऊंगा हाँ सो आई होप आपको मेरे कैमरामैन के साथ इंट्रोडक्शन अच्छी लगी होगी और जिस तरह से इन्होंने मेरे चैनल को लेना मैं भी इनका ऐसी धक्के से एक वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल कुछ तो बनाऊंगी मैं पक्का बनाऊंगी <Let's see. laughs> हाँ चलो ठीक है टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय बाय